वो घर ये देखो बाहर से देखो कितना बढ़िया है सब सोफा और कुर्सी और है ना अंदर भी क्लास है एकदम इंटीरियर फुली फर्निश्ड आपको फीलिंग आएगी नहीं कि चाल का रूम है बंगले वाली फीलिंग आएगी आओ देख लो आओ 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 देखो है ना एकदम टकाटक घर है ना बंगले वाली फीलिंग ये इस चाल का सबसे बड़ा घर है ये फोटोज ये वो पुराने भाड़ुआत की फोटो है वो सब निकल जाएगी अच्छा इस घर का 20,000 रुपया भाड़ा और 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा इस चौल में 20,000 भाड़ा और 1.5 लाख डिपॉजिट बहुत ज्यादा है बापोदरा चाल है मैडम इस एरिया की नंबर वन चाल बिजली पानी की तकलीफ नहीं और घर तो देखो ठीक है तो टाइम दीजिए हम बताते हैं ठीक कोई बात टेक यू ऑन टाइम लेकिन जरा जल्दी बताना बापोदरा को दूसरा भाड़ुआत मिल गया तो वेट नहीं करेगा बापोदरा प्लीज बापोदरा जी को बोलना एक हफ्ते का टाइम दीजिए हम बता देंगे यही है बापोदरा मान सम्मान के लिए खुद ही को बापोदरा बुलाता है बापोदरा चाबी देना क्यों अरे राशि और मानसी की फोटो निकाल ली तो चाबी क्यों देगा बापोदरा अरे मैं खोलता हूँ निकाल ले चिराग हाँ मम्मी अरे पप्पा हो गया तुम दोनों का एक दूसरे को खुन्नस देकर तू ताला खोल ना भाई चाबी नीचे तू अंदर जाकर मानसी और राशि की फोटो लेकर आ जा जा ना अरे पीछे से जाना राशि का फोटो तो ठीक है मानसी की फोटो का क्या काम है तुझे हैं बापूदरा ने तो दिलीप पटेल की नेम प्लेट भी फेंक दी कचरे में तू नहीं समझेगा थैंक यू मानसी की फोटो हाँ बापूदरा कमरा भाड़े पे चढ़ा रहा है ना मैंने फोटो वहां पर देखी तो निकलवा ली वसुंधरा जी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर गई हैं इतना तो बनता है किसको भाड़े पे रूम देने बापोदरा काका है कोई कपल लेकिन वो आएगा क्यों नहीं भगवान जाने अरे उसने डिपॉजिट और भाड़ा ही ऐसा मुंह फाड़ के मांगा है मेरी तो बोलती ही बंद हो गई ऐसा क्या मांग लिया 20,000 भाड़ा और 1.5 लाख डिपॉजिट माना कि एरिया बड़ा है और बाकी के कमरों से ज्यादा सजा सजाया है उसका कमरा पर है तो चाल ना मैं तो अपनी सोच से ही दंग रह गई थी दिलीप का कमरा खाली देखा तो ऐसे ही ख्याल आया मुझे पांच पटोड़े के लिए 5-7 साल तो बिठानी पड़ेगी ना जगह तो मुझे भी चाहिए लेकिन नहीं नहीं कहां से आएगा इतना सारा पैसा सारा एडवांस तो इसी में चला जाएगा कमाऊंगी क्या और बचाऊंगी क्या एक सेकंड मम्मी तू डैड का घर खरीदने का सोच रही है ये भाड़ा सुनकर ही सिट्टी पिट्टी गुल है खरीदने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती 20,000 महीना बपरे बैठ 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 देख मम्मी ये बिजनेस स्टीफन के बिजनेस जितना छोटा या आसान नहीं है और ना ही कभी होगा ये 5 पटोड़ों की मेहनत और पैसे इन्वेस्टमेंट है अभी शायद इसमें कमाए भी ना पर तेरे टिफिन का बिजनेस भले ही छोटा है पर सेट तो है और अभी के लिए वो काफी है इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर और भी कई सारे खर्चे इन सब की कोई जरूरत नहीं है अभी उसमें पर मम्मी ये पटोड़े को बुनने के लिए कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करना हाथ थोड़ा तंग है अभी
तेरी और दीप्ति की इनकम से चलता आ रहा है घर अभी। जैसे मेरी स्टेडी इनकम शुरू हो जाएगी तब शायद चीजें आसान हो जाए, और तब तक रिस्क तो रहेगा ही। हम लोन भी तो ले सकते हैं ना अश्विन। कोलैटरल के बिना लोन मिलना आसान नहीं है दीप्ति। चिराग भी अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ, बड़ी ईएमआईज होंगी, कहां से आएगा पैसा? मम्मी मैं तुझे डरा नहीं रहा और ना ही तुझे डिस्करेज कर रहा। नहीं अश्विन, मैं समझती हूँ, आईना दिखाना भी जरूरी होता है, इसलिए तो तुम सबको बता रही हो ना, ताकि एक के बदले पांच दिमाग दौड़े। रिस्क तो है पर कैलकुलेटेड है। मेरे हिसाब से कूद जा मम्मी, हर बिजनेस की शुरुआत ऐसे ही होती है, कोई भी प्रॉफिट या रिटर्न्स की गारंटी के बिना। बोलो, इतनी शराफत? बाकी कोई बड़ा काम लगता है, बाकी तो तूफान मेल की तरह अंदर घुस जाती। हाँ वो मुझे तुझसे जरूरी बात करनी थी। तेरे टोन से ही समझ गया था बापूद्रा, अभी इतना कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं बापूद्रा। वाचो वो जो दिलीप का कमरा है, मींस के वो जहां पर रहता था, वो मुझे मिल सकता है भाड़े पे? भाड़े पे क्या करना है इतने एक्स्ट्रा कमरों का? खेलेगी कबड्डी 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 कबड्डी? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। फिर नया बिजनेस करने का सोच रही हूं। पटोड़े बनाने का काम शुरू करना है, तो उसके लिए वस्तु चीज रखने, हाथ साल सेट करने, कारीगरों को बिठाने के लिए जगह तो चाहिए ना। मींस के वो वर्कशॉप जैसा कुछ। हे भगवान, क्या वो सर दुख रहा है? अरे विनाश करे विपरीत बुद्धि, इतना बढ़िया सब सेटल है, तेरा टिफिन का धंधा बढ़िया चल रहा है, तो लालच में आकर ये बुनाई फुनाई का धंधा क्यों शुरू करना है? चुपचाप जो है उसमें गुजारा कर ले, नहीं तो जो हाथ में है ना वो भी हाथ से चला जाएगा। नहीं बापूद्रा, जिंदगी चौका मारने का मौका दे रही है, तो कम से कम मुझे कोशिश तो करने दे। देना मुझे वो कमरा भाड़े पे, देना। मैं ना प्रॉमिस करती हूँ कोई तकलीफ नहीं दूंगी तुझे, कोई कचरा नहीं, कोई पसारा नहीं, कोई गंदगी नहीं, मेरा जिम्मा। और कायदे सर भाड़ा देती हूँ ना मैं, बस वो डिपॉजिट माफ कर दे दोस्ती खाते में। कैसी दोस्ती है? दोस्ती खाते में डिपॉजिट माफ? हालती नहीं था डिपॉजिट माफ? कल जो कपल देख के गया ना, उससे बापूद्रा ने कितना भाड़ा मांगा तुझे पता है? 20,000। और तू तो कमर्शियली वापरने वाली है कमरे को, तो भाड़ा भी बढ़ेगा और डिपॉजिट भी। तो 22,000 देती हूँ ना मैं तुझे। क्या हुआ? 60,000। 3 गुना? बापूद्रा, भगवान से थोड़ा डर? शरम नाम की चीज नहीं है तुझमें? डकिया थकिया पिछले जन्म में? पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में भी हो। 60,000 भाड़ा, 3,00,000 डिपॉजिट, वो भी एडवांस में देना पड़ेगा। बोल इंटरेस्ट है तो बोल, कमरा तेरा, बाकी धंधे में नो दोस्त नो पड़ोस, बरोबर? चल। अरे लेकिन इतनी बड़ी रकम तो मेरी पहुंच से बाहर है। तो कमरा भी पहुंच से बाहर ही है ना। अरे चलना होवे क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वो जो कपल जिसको इंटरेस्ट था ना, वो अगर पहले जवाब देगा तो उसका, तू जवाब देगी तो तेरा, बरोबर? चल। इस रकम के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा, उस पर से ब्याज का बोझ, अरे थोड़ा तो समझ के ले। अरे समझ के ही बोल रहा है बापोतरा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का बाद मार्केट में पूछ कितना भाड़ा चल रहा है।
ये तो तू पुरानी पापी है, टेनेंट है, इसलिए बापूजरा तुझे इतना बोला, समझी क्या? चलो हो गई बात, चलो पछी बात अगर, चल 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 बापूजरा को टीपी करनी है, ट्रिपल करना है। कुछ कम कर दीजिए ना बेचारी को। ए, बेचारी नहीं बहनपणी, काम में कोई किसी का सगा नहीं होता, और अपना नुकसान करवा के उसका बिजनेस सेट करूं? वाओ, यू डांस सो वेल, यू आर रिलीज गेटिंग सो मेनी लाइक्स, वॉच इट। हाँ यार, और तेरे फॉलोवर्स भी बढ़ गए अचानक से। यू आर किलिंग इट ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू। हे राशिद रॉकस्टार, ये देख। ये वाओ, कौन है जो ऐसे मैसेजेस कर रहा है? रुक, इसे डिलीट करती हूँ। रिडिकुलस। अरे डिलीट क्यों कर रही है? ये सब इरिटेट करता है, ट्रोलिंग है। चल एक सेल्फी लेते हैं प्लीज। एक एक अभी अपलोड करती हूँ। कर। हाँ राशि, चलना आज मॉल जाते हैं। क्लास बंक करके? नो वे, बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला है कॉलेज में, और अभी से क्लासेस बंक करूंगी ना तो हो गई पढ़ाई, और वैसे भी मुझे फोकस करना है पढ़ाई पे। यार राइट, ये जो तेरा रील्स का चक्कर शुरू हुआ वो करने देगा तुझे स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट? क्या मतलब? क्यों गाइस, जिस तरह इसको धपाधप लाइक्स आ रहे हैं, लाइन लग जाएगी रील्स की। एनीवेज तू मत आ, मैं दर्शन के साथ जाऊंगी। बाय बाय। चल दर्शन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.